1 करोड़ 10 लाख की एक्सयूवी 700। क्या बोला क्या बोला? सुनकर तो चौंक गए होंगे आप। जी हाँ, मैं भी चौंक गया था। मैं तो सोचने लगा कि भाई इसमें ऐसा क्या है कि महिंद्रा वालों ने इसे 1 करोड़ से भी ज्यादा का कर दिया। फिर जब आगे देखा तो ये प्राइस नेपाल का था। हाल ही में महिंद्रा ने अपनी एक्सयूवी 700 को नेपाल में लॉन्च किया है। ये महिंद्रा की चौथी कार है जो नेपाल में बेची जाएगी। इससे पहले वहाँ पे एक्सयूवी 300, बोलेरो पावर प्लस, स्कॉर्पियो क्लासिक और इसी के साथ कई सारी कॉमर्शियल व्हीकल्स को भी बेचा जा रहा था। इनके प्राइसिंग की बात करें तो एक्सयूवी 300 का प्राइस करीब 40 लाख NPR से 57 लाख NPR तक है। NPR मतलब नेपालीज रुपी। बोलेरो 36 लाख NPR से 40 लाख NPR तक है। स्कॉर्पियो 55 लाख NPR से 75 लाख NPR तक है। हाल ही में लॉन्च हुए एक्सयूवी 700 के 6 वेरिएंट्स नेपाल में बेचे जाएंगे, जिनका प्राइस इंडियन रुपीज में 46 लाख से स्टार्ट होकर 68 लाख तक है, जो NPR में कन्वर्ट होकर 74 लाख से 1 करोड़ 10 लाख का हो जाता है। बाकी मॉडल और प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्सयूवी 700 के सेम स्पेसिफिकेशंस होंगे वहां पे जो इंडिया में बेचे जाते हैं। इंजन को छोड़ के इंडिया में पेट्रोल और डीजल दोनों का ऑप्शन मिल जाता है, जबकि नेपाल में सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन ही अवेलेबल रहेगा। खैर, इन सब के बाद अब बात करते हैं कि कार प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है नेपाल में। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जब सारे स्पेसिफिकेशन सेम ही हैं तो एक्स्ट्रा प्राइस इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्स का ही होगा। हालांकि नेपाल को मोस्टली लोग इंडिया का ही पार्ट समझते हैं, ना वीजा ना पासपोर्ट, जब मर्जी हो आओ जाओ। तो ये कार्स पे टैक्स किस बात का? नेपाल में पैसेंजर कार्स को लग्जरी कैटेगरी में रखा गया है, तो इन पर टैक्सेस भी इसी के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। और एक्सयूवी 700 भी लग्जरी से कम नहीं है। नेपाल पैसेंजर कार टैक्स रेट 250 से 300% तक है। और तो और यहाँ पर मेंटेनेंस चार्जेस भी बहुत महंगे हैं, क्योंकि कार पार्ट्स जैसे ल्यूब्रिकेंट, कंपोनेंट्स, बैटरीज, टायर्स जैसी चीज़ों पे 30 से 50% तक का टैक्स लगता है। रिपोर्ट की माने तो ऑटोमोबाइल एसोसिएशन टैक्स के खिलाफ है, लेकिन इससे अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। और यह टैक्स वाला सीन तो इंडिया में भी है। खैर, ये हर कंट्री का अपना राइट है, अब उन्हें कैसे क्या करना है वो जाने। XUV 700 जैसी गाड़ियों का प्राइस 1 करोड़ 10 लाख सुन के आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। इसके अलावा भाई, महिंद्रा ने जब से अपने स्कॉर्पियो एन, थार और XUV 700 को इंडियन मार्केट में उतारा है, तब से तहलका मचा दिया है। हर महीने इसके सेल बढ़ती ही जाती है। और अभी हम जनवरी 2023 की बात करें तो ये अब तक की सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ इन्होंने पूरे इंडियन मार्केट में बेची हैं। कंपनी ने लगभग 32,000 यूनिट्स की सेल की है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।